अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन से पहले बयानबाजी करने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी अब अपनी बयानबाजी को लेकर गिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल 30 जुलाई व 5 अगस्त अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास के दिन ओवैसी ने बयान दिया व ट्वीट किया था कि मोदी राम मंदिर पूजन में न जाए। वह कहा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और वहां पर उनकी मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। इस मामले में अब एंटी टेररिस्ट फ्रंट और हिंदू तख्त ने ओवैसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। देखिए, ओवैसी के बारे में पूरे देश दुनिया जानती है। इसने हमेशा हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की साजिश रची और हमेशा देश की एकता और अखंडता को में जहर घोलने का काम किया। इसी कड़ी में ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर फिर एक बयान दिया जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि अयोध्या जो है वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए और वहाँ रामलीला की जन्मस्थली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत उसको चुनौती देते हुए, उस संविधान की और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है और अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद ही रहेगी मरते दम तक इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर हमने एंटी टेररिस्ट इंडिया और श्री हिंदू तख्त की तरफ से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन मूव की है और आज वो फाइल होगी और सुप्रीम कोर्ट मंडे को उसके ऊपर सुनवाई करेगी। सर, क्या कुछ डिमांड की है आपने इस पिटीशन में? इसमें हमने मोटी सी डिमांड किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके ऊपर जो है सीरियस कॉग्निजेंस ले और ये जो है एबिचुअल है संविधान के खिलाफ बोलने के, कानून के खिलाफ बोलने के लिए, इसको आदत है देश का माहौल खराब करने की ओवैसी को। और ओवैसी ने ऐसे टाइम में जब भारत के प्रधानमंत्री आधारशिला रखने जा रहे हैं उससे पहले ट्वीट किया, उससे पहले बयान दिए, मीडिया को बयान दिए कि अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ जो है मंदिर बनाया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक है। हमने मांग किया कि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है कार्रवाई करे और देश में जो है दंगे भड़काने का बयान देने के, जो ने बयान दिया देश में दंगे भड़काने का, हिंदू मुसलमानों को भड़काने का, कि उसने पर्टिकुलर कहा कि मुसलमान समझें कि जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। तो हमने दो मांगें की हैं, कंटेम्प्ट पिटीशन, कंटेम्प्ट की कार्रवाई और धार्मिक भावनाएं भड़काने की देश में।